क्या आयशा और मुनव्वर की दोस्ती में पड़ गई है दरार? वेल दोस्तों, बिग बॉस का 17th सीजन स्टार्ट हो चुका है और फैंस इसके लिए बेहद एक्साइटेड भी हैं। अब इसमें फाइट शुरू हो गई है, दोस्ती शुरू हो गई है, ग्रुपिज्म शुरू हो गया है, सब कुछ स्टार्ट हो गया है। लेकिन वहीं पर जहां कुछ दोस्ती बन रही थी, तो अब इनके बीच में दरार पड़ती हुई नजर आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईशा मालविया और मुनव्वर फारूकी की, जहां इनको लेकर फैंस बोल रहे थे कि इनकी दोस्ती आगे जाकर अच्छी होने वाली है। ये लोग साथ में क्यूट फ्लर्ट करते हुए भी नजर आए थे, लेकिन अब किसी चीज को लेकर इनके बीच में दरार आ गई है। वो कौन सी बड़ी वजह है, चलिए बताते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि घर में हर कंटेस्टेंट अपना असली रूप दिखा रहा है, तो वहीं ईशा और अभिषेक को लेकर फैंस का कहना है कि वो लोग मोस्टली चीजें फेक कर रहे हैं। वहीं घर वालों ने भी इस पर बोलना शुरू कर दिया है। जिग्ना वोरा को हमने देखा किस तरह से उन्होंने बोला कि ये लोग सब कुछ प्री प्लान करके आए हैं। तो वहीं आधी रात में हमने देखा कि मुनव्वर फारूकी जो है नील भट्ट ऐश्वर्या शर्मा के साथ बैठे होते हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि अभिषेक का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं ये लोग इतना लड़ते क्यों रहते हैं, ये लोग जानबूझकर ऐसी चीजें करती है। तभी वहां ईशा मालविया जाती है और कहती है, यार तू ऐसे क्यों बोलता है, यहां पर लड़ने ही तो आए हैं, यहां पर असली रंग रूप ही तो दिखाएंगे हम अपना, ये तो नहीं है कि चुप बैठेंगे। तभी मुनव्वर कहते हैं यहाँ इतनी फेक फाइट करने की जरूरत नहीं है। तभी ईशा बोलती है कि फेक फाइट कौन कर रहा है, यहाँ पर जिसको जो फाइट करनी है वो तो करेगा ना। मुनव्वर ने नील ऐश्वर्या को सबके गेम के बारे में बताया कि कौन यहाँ कैसा गेम खेल रहा है, क्योंकि मुनव्वर और ईशा दोनों ही अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। वहीं ईशा आती है और कहती है, नहीं यार तू ये गलत बोल रहा है, कोई यहाँ पर फाइट ना जानबूझकर नहीं करता है। तो इन दोनों के बीच में इन चीजों पर हो गई है थोड़ी सी अनबन, जहां पर ये लोग नजदीक आ रहे थे। फैंस को लगा था कि कहीं अभिषेक को छोड़कर अब ईशा और मुनव्वर का कुछ स्टार्ट ना हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वहीं और बाकी बात करें ईशा की, तो ईशा अब अंकिता लोखंडे के पास जाकर चुगली करने वाली है। वो चुगली किसकी है, अभिषेक की। जी हाँ, आपको ये भी देखने को मिलेगा जहाँ पर ईशा और अभिषेक के बीच में फाइट चल रही थी, फिर ये दोनों घर में आकर बातें करते हुए नजर आए। तो फैंस ने भी कहा कि यार ये दोनों ना पूरी तरह से फेक हैं। लेकिन फिर हमने तभी वहाँ पर देखा है कि कैसे ईशा मालविया जो है वो जाकर अंकिता लोखंडे के बोलती है कि इसको तुम लोग बच्चा समझने की कोशिश मत करो, ये बच्चा बनकर ना सबका बाप कब बन जाएगा ये तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। यानी कि अभिषेक जो है वो गुस्से वाले हैं, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि कल ही अभिषेक ने सबसे घर में लड़ाई करी है। अभिषेक की सोनिया के साथ जबरदस्त फाइट हुई है और जिस तरह सोनिया और अभिषेक लड़ते हुए नजर आए, तो ऐसा लग रहा है कि अब घर में आगे का गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर आपका क्या कहना है इन चीजों को लेकर, आप किसको देखना चाहते हैं ईशा मालविया के साथ, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।